एप्पल यूज कर रहे हो तो क्या आधी दुनिया यूज कर रही है? तुम अभी यूनिक नहीं रहे। एप्पल ब्रांड पहले बहुत यूनिक था, अलग अलग लोगों के पास होता था, नॉर्मल लोग नहीं ले पाते थे। अभी कोई भी उठ के एप्पल ले सकता है, इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। टिकटॉकर्स, रील पे आ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम इंस्टाग्रामर्स हो गए, लेकिन तुम टिकटॉकर ही हो। बच्चों भूलो मत ये चीज। चगावत निश्चित शाइनिंग, अबे भाड़े के कपड़े लेके शाइनिंग मारते हो, सच सवर के आते हो, ऑन साइड डीएसआर में फोटो निकालते हो, आईफोन में निकालते हो, उसके बाद अपना ही फटा पुराना कपड़ा पहन के जाते हो कि नहीं? अरे ये झूठी शानो शौकत क्यों? अभी ये देखो ये जैकेट, ये महंगा नहीं है, 550 का जैकेट है, डुप्लीकेट माल है, लेकिन लगता ओरिजिनल है कि नहीं? ये इंपोर्टेड, डायरेक्ट बोलो ना डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट है साले लोफर। अरे उस दिन एक जगह पे मैं गया था ना, उस जगह पे मेरे दोस्त के बाल काटने थे बराबर, तो वहां पे एक टिकटॉकर था और वो बहुत ज्यादा फेमस टिकटॉकर है, उसका नाम नहीं ले सकता हूं मैं, तो उसको देख के लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो टिकटॉक पे इतना फेमस है ना, वन साइड फेमस। और वो जो बाल काटने वाला था वो क्या बोला होगा, अरे मैं ऐसे बोला, अरे वो है ना, तो बोलता अरे हाँ वो रोज वो आते जाते रहते हैं, वो हेयर का वो स्प्रे भी मारते हैं, रोज केसों को वन साइड बनाते हैं और जाते हैं। उसने मुझे पूरी डिटेल दी कि कहाँ से भाड़े के कपड़े लेते हैं, कहाँ पे जाके फोटो निकल, सब डिटेल उसको पता, और वो इज्जत भी नहीं दे रहा था। अरे ऐसा मत करो रे, जो हेयर रियल में दिखा ना, काजी शो शाइनिंग चल रही है, मैंने हूँ सर। किसी टिकटॉकर को अगर बुरा लग गया होगा तो निकल मैं नल्ले, इतना ही बोल सकता हूं। आई गो देवा, मी कास करते, मी पण आलतो, मैंने खुद टिकटॉकर की रील बनाई है, मैं क्यों उनको बोल रहा हूं? लेकिन मैंने शाइनिंग नहीं मारी, मैंने डीएसएलआर में भी नहीं बनाया ना, मैंने खुद बैकग्राउंड बादशाह बनाया है, मैंने बस दीवार लकी, सामने पद्धतशील लाइट, ऐसा मोबाइल, और उसके सामने वही अपना टी शर्ट जो हमेशा स्क्रीन पे आता है, कुछ चेंजेस नहीं, शाइनिंग भी नहीं मार के, स्प्रे भी मार के, बाल वैसे, यही अपने पुतारे जैसे बाल लेके मैं आया है कि नहीं? मेरा नाद मत करो बे, नेचुरल है अपन। श्रीमान दादा, तुला बघून मूड ठीक होतो। आपको मुझे देख के मूड ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे आजकल इंस्टा की रील्स देख के मूड खराब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं वो नया आइटम क्या लाया रे ते ना का टी, अरे का है ते? मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक लड़की आती है, एकदम सिंपल सी दिखने वाली लड़की आती है, वही वही वही, और आती है दरवाजे पे, ऐसा ऐसा करते और अचानक लाल हो जाता है, विचित्र लगता है। लड़कियों ऐसा मत करो यार, वो बहुत रिस्की है, मैं बोल रहा हूँ वो बहुत रिस्की है। जिन ने बनाया है ठीक है, बनाया है मॉडल्स वगैरह वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो रेड फिल्टर हटाया जा सकता है, ट्रस्ट मी, इजीली हटाया जा सकता है। वीडियो एडिटर के पास, मेरे ऐसे कमीने के पास ऐसी वीडियो दोगे, मैं 3 सेकंड में हटा के दे सकता हूं वो वीडियो फिल्टर। बहुत रिस्की है, मत करो चीजें, करना है तो अच्छा कंटेंट बनाओ, एंजॉय करो, गाने बीने गाओ, फुल वो नहीं गाओ तो वही वो डर सकते भी सकते ना, वो बनाओ, लेकिन यूज वो डोंट पुट माई शोल्डर ऑन यूर नीज वगैरह वो मत बनाओ, बहुत रिस्की है, समझो बात को। मुझे पता है आधे कमीने लोग वही वीडियो देखते होंगे, सुधरो सालो सुधरो, आईच्या गावात तुमच्या आईला यांच्या तर। अरे टिकटॉक है, अल्ट बालाजी चालू हो रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है, ये रील्स नहीं गाइस, रील्स पे आजकल अल्ट, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम ऐसी बहुत सारी रील्स अलाउ करता है जो थोड़े से अलग कॉन्टेंट की है, ऑनेस्टली, क्योंकि उस पर एक ऐसा वीडियो देखा वो एक्चुअली बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन नहीं यार, आर यू ड्रंक, आर यू ओके? देख पाटिल साहब, अपन 24 घंटे पीला लगता है, मैं किसी के हल्दी में जाता हूं ना तो मैं ऐसा ही करता हूं, क्योंकि भगवान ने वो शक्ति दी है, भगवान बोलता है तेरे को अल्कोहल की जरूरत नहीं, तेरे अंदर खून में अल्कोहल लाइफ टाइम रहेगा, बिंदास नर किसी को भी, चरा गावात। और इसको कूलिंग क्यों नहीं आ रही है? अरे तू एसी है या हीटर है? घाम निकल रहा है, कुछ तो कूलिंग दे, मनहूस बिल तो बड़े बड़े देता है।